भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरद सिंह ने महिला पहलवानों के आरोपों के सामने आने के बाद अपनी अयोध्या में 5 जून को होने वाली महारैली कैंसिल कर दी है। ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR की गई हैं। पहली FIR बालिक पहलवानों के आरोपों से जुड़ी है और दूसरी नाबालिग रेसलर्स के आरोपों पर आधारित है। बालिक पहलवानों का आरोप है कि ब्रजभूषण ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहाँ तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी शर्ट उतारी। वही नाबालिग पहलवान का आरोप है कि ब्रजभूषण ने उनसे फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी, पर ब्रजभूषण यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स को सबूत देने की चुनौती दे रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सबूतों के अभाव में ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ऐसे में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि नाबालिग समेत 7 महिलाओं से यौन शोषण के आरोप में सबूत जुटाने की जिम्मेदारी किसकी है। और इसी के साथ एक शब्द और चर्चा में बना हुआ है जो कि है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब हमारे इस विशेष कार्यक्रम विशेष में। नमस्कार, आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं सुरमई टाइम्स और मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये ब्रजभूषण के केस में आने वाला बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में प्रावधान है। आमतौर पर मुकदमा करने वाले प्रोसिक्यूशन पर क्राइम को साबित करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में दर्ज होने वाले केस गंभीर किस्म के अपराधों में आते हैं, जिस वजह से इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है। यानी अगर सीधा कहा जाए तो आरोपी को खुद वे सबूत जुटाने होते हैं जो उसे निर्दोष साबित कर सकें। हालांकि ब्रजभूषण से जुड़े मामले में नाबालिग की उम्र को लेकर ही पुलिस जांच कर रही है, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले की धाराओं में पुलिस बदलाव कर सकती है। वहीं इसी के साथ रेप मामलों में सेक्सुअल इंटरकोर्स होने की बात साबित होने पर जब यह बात आती है कि क्या उन संबंधों में जोर जबरदस्ती थी, तो IPC की धारा 376(2) के तहत रेप मामलों में एविडेंस एक्ट की धारा 144(a) में संशोधन के बाद ये माना जाता है कि रेप पीड़िता की कंसेंट नहीं थी और फिर ऐसे में आरोपी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है और उसे कोर्ट में साबित करना होता है कि वह निर्दोष है और उसने पीड़िता की कंसेंट से संबंध बनाए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील AK सिंह के मुताबिक बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ही यह है कि जिसने आरोप लगाया उसकी जिम्मेदारी उसे प्रूफ करने की होगी। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये हर तरह के केस में लागू होता है। हालांकि NDPS एक्ट या PMLA एक्ट जैसे मामलों में जब सरकारी एजेंसी कोई केस दर्ज करती है तो आरोपी को यह साबित करना होता है कि वह निर्दोष है, वहीं बाकी सभी मामले में आरोप लगाने वाले को सबूत देना होता है। पर ब्रजभूषण के मामले में सबूत देने की जिम्मेदारी किसकी है? असल में ब्रजभूषण सिंह पर एक केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 29 के तहत कुछ प्रावधानों में आरोपी यानी ब्रजभूषण को ही साबित करना होगा कि वह निर्दोष है। कई हाईकोर्ट के फैसले जिनके अनुसार पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज मामलों में प्री ट्रायल यानी जांच शुरू होने से पहले और पोस्ट ट्रायल यानी जांच पूरी होने के बाद आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना होता है। इस मामले में पुलिस अगर ब्रजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट की धारा हटाने का फैसला करती है तो यौन उत्पीड़न के मामले पर अभियोजन पक्ष को सिंह के खिलाफ मामला साबित करना होगा। पर समस्या तो ये है कि ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगे हैं उसे साबित करना मुश्किल क्यों है? तो इस पर अधिवक्ता विराग का कहना है कि सबसे पहले ये देखना होगा कि ज्यादातर मामले टूर्नामेंट के दौरान के हैं। ऐसे में उत्पीड़न के मामलों को कार्यस्थल से जुड़ा माना जा सकता है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइन के अनुसार वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए संसद ने 2013 में एक कानून बनाया था। उसके मुताबिक सबसे पहले कुश्ती संघ या खेल मंत्रालय के अंदर ही इस शिकायत का निवारण होना चाहिए था। और अब जब केस दर्ज हो गया है तो पुलिस की जांच दो तरह से होगी, पहली दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों में, दूसरी विदेशों में, क्योंकि ब्रजभूषण शरद सिंह के खिलाफ कई आरोप विदेश में यौन उत्पीड़न के हैं। ऐसे मामलों की जांच में क्षेत्राधिकार का सवाल खड़ा हो सकता है। इसी के साथ मामले बहुत पुराने होने की वजह से सबूतों को जुटाना भी मुश्किल होगा। जहां पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं होगी, ऐसे में सिर्फ बयानों के आधार पर अदालत से सजा मिलना और उसे अपील में टिकना बहुत मुश्किल हो सकता है। पर अगर ब्रजभूषण के ऊपर से पॉक्सो एक्ट हट गया तब ऐसे में उनके खिलाफ सिर्फ IPC की धारा 354, 354A, 354D रह जाएंगी। इसमें तुरंत गिरफ्तारी का नियम नहीं है। इसी तरह तब बर्डन ऑफ प्रूफ यानी ब्रजभूषण को दोषी साबित करने के लिए सबूत पेश करने की जिम्मेदारी भी महिला पहलवानों की ही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।